बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है स्टैचुरी और इसमें परमानेंट को लेकर, समझ गए? जो चीज किसी आर्टिकल के अंदर में मेंशन नहीं होगा, हमने उसे सिचुएशन वाइज बनाया है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग बनाया है, ऐसे कमीशन को हम लोग सीधा सीधी वर्ड देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये गवर्नरी है तो वो नॉन गवर्नरी, समझ गए? क्लियर? एक वर्ड जो यूज होगा इंग्लिश में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए वो होगा ठीक है STATUTORI स्टैट्यूटरी। इसका मतलब होता है कि संविधान का अंग नहीं है, ठीक है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और हिंदी में इस वर्ड को बोला जाता है सांविधिक। बहुत ध्यान से हिंदी वालों को देखने की जरूरत पड़ती है, बहुत कम डिफरेंसेस होता है संवैधानिक और सांविधिक में, समझ के? इंग्लिश को हम आसानी से पकड़ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नरी, परमानेंट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन गवर्नरी और स्टैट्यूटरी। क्लियर? दैट मींस क्या हो गया, पार्ट नहीं है, समझ के? क्लियर है? चलिए अब इस वर्ड के आगे योजना आयोग पर आ जाइए, ध्यान रखेंगे इस लाइन को, इससे क्वेश्चन मैं पूछूंगी। योजना आयोग को राउंड कीजिए, प्लानिंग कमीशन, सबसे पहले राउंड करो, प्लानिंग कमीशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, योजना आयोग संविधान का भाग नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, दैट मीन्स सीधा सीधी बताएं, प्लानिंग